नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, 80 के दशक में एक फिल्म आई उत्सव। इस फिल्म को शशि कपूर ने बनाया था और इस फिल्म में एक गीत है, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। ये फिल्म रेखा और अनुराधा पटेल पर फिल्माया गया है, लेकिन इस गीत की एक और ख़ास बात है और वो ख़ास बात यह है कि इसी गीत में आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों एक साथ थीं और ये उन दोनों का एक साथ आखिरी गीत था। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में इस बार गेस्ट के रूप में गायिका आशा भोसले पहुंची थीं। आशा जी के सामने सभी कंटेस्टेंट ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। आशा भोसले ने शो के दौरान कई खास बातें भी सभी से शेयर की। वहीं शो के जज अनु मलिक ने आशा जी से कहा कि वो एक गुस्ताखी कर रहे हैं कि अरुणिता कांजीलाल और साइली कांबले को वो शो में आशा जी और लता जी कहते हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि ये दोनों कंटेस्टेंट एक साथ खास परफॉर्मेंस पेश करें। अनु मलिक की बात को सुनने पर आशा जी ने हामी भर दी और फिर अरुणिता और साइली ने साथ में उत्सव फिल्म के मशहूर गीत मन क्यों बहका रे बहका गाया और इस गाने को सुनने के बाद आशा भोसले काफ़ी खुश नजर आईं। गाना सुनने के बाद आशा जी ने कहा कि जब मैं किसी को भी या किसी से भी दीदी का गाना सुनती हूं तो लगता है वो सामने आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों ने इस गाने को साथ में गाया था तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। उन्होंने यानी कि लता जी ने तो अपने हिस्से का गा लिया था और फिर जब मैंने अपनी लाइन गाई तो उसने चश्मे से देखकर कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद ही आशा भोसले ने बताया कि ये हमारा साथ का गाया हुआ आखिरी गाना था। आशा जी ने इसके लिए धन्यवाद भी दिया था और वहीं शो में आशा जी को लता मंगेशकर की नकल करते हुए भी देखा गया। एक घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने लता मंगेशकर की मिमिक्री करते हुए कहा कि कैसे गाने को गाने से पहले वो घबरा गई थी तो दीदी ने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? तब उन्होंने कहा था कि मैं मंगेशकर पहले हूं और भोसले बाद में। आशा भोसले पूरे एपिसोड में काफ़ी चिल वाले अंदाज में नजर आईं। इस दौरान सिंगर ने कई तरह के सिंगिंग से जुड़े खुलासे भी किए, साथ ही वो सभी कंटेस्टेंट की तारीफ करती नजर आई। शो के दौरान उन्होंने पवनदीप के साथ डांस भी किया और फैंस के बीच पसंद किया जाने वाला ये शो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। आज शो में सभी कंटेस्टेंट को इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी की झलक दिखाई दी है और इसके साथ ही आज बता दिया गया कि सीजन का फिनाले 15 अगस्त के खास मौके पर होगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।